हेलो जी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है जी हमारे इस चैनल हारमोनियम गुरु में। तो अभी तक मैंने 7 लेसन डाले थे हारमोनियम के ऊपर, तो आज हम मैं आठवां लेसन डालने जा रहा हूँ। तो पिछले 7वें लेसन में मैंने बताया था बिलावल थाट के बारे में। ट्रूफ का मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन से सुर लगते हैं और कौन से सुर शुद्ध हैं, क्या है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अगर नहीं भाई ने कोई वीडियो देखा पिछला, तो आप प्लीज पीछे वाले सारे वीडियो देख लीजिए पहले, फिर इस लेसन को फॉलो करिए, ठीक है। तो चलिए फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने मैंने बताया था कि बिलावल थाट में टोटली सारे के सारे जो स्वर लगते हैं वो शुद्ध लगते हैं, और इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण संपूर्ण का मतलब होता है कि सात ही इसके आरोह में लगेंगे, सात ही इसके अवरोह में लगेंगे, तो इसलिए इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है, और सातों के साथ जो स्वर लग रहे हैं वो शुद्ध लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिलावल थाट है। मैं फिर भी आपको एक बार बजा के दिखा देता हूँ बिलावल थाट, ठीक है। तो ये जब बजाएंगे हम पहले काले से बजाएंगे, यानी कि जिसे हम सी शार्प बोलते हैं वेस्टर्न नोटेशन के मुताबिक, हिंदुस्तानी भारतीय संगीत के मुताबिक हम इसे पहली काली बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे बिलावल थाट हमारा। तो ये तो था हमारा बिलावल था, ठीक है। आज हम इसका आगे वाला जो एडवांस लेसन है वो करेंगे। आज मैं आपको कुछ अलंकार बताऊंगा, 5 अलंकार बताऊंगा इस वीडियो में, उनकी फिंगर टेक्निक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको उस वीडियो में सारा कुछ दिख जाएगा, सारा अलंकार भी आपको उस वीडियो में दिख जाएगा अच्छे से, और उसकी फिंगर टेक्निक भी आप उसको ध्यान से नोटिस करिए, ठीक है। और जो अलंकार मैं बताऊंगा उसको आप हर एक अलंकार को, यानी कि 5 अलंकार बताऊंगा, तो उसको हर एक अलंकार को 10 मिनट प्रैक्टिस करना, यानी कि टोटल 50 मिनट आपको अलंकार को देने हैं, ठीक है। तो बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं बजाऊंगा स्लो स्पीड में, 5 मिनट स्लो स्पीड में बजाना है, 5 मिनट फास्ट स्पीड में, यानी कि टोटल 10 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, एक अलंकार के ऊपर आपके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। तो सबसे पहले पहला अलंकार, सिंपल बेसिक अलंकार सबको पता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्लो स्पीड में, ठीक है। ये था स्लो स्पीड में, इसको आप स्लो स्पीड में 5 मिनट करना। अभी फास्ट स्पीड में देखते इस तरह पहले अलंकार के ऊपर आपको 10 मिनट लगाने हैं, ठीक है। तो जो फिंगर टेक्निक फोटो में दिखाई जा रही है आप उसी को फॉलो करें, ठीक है, ताकि आपको आगे जो आगे हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरा अलंकार देखते हैं, डबल वाला। ये अलंकार इससे डबल हो जाएगा, यानी कि पहले हम सिंगल में बजा रहे थे सारे गामा पा धा नि सा, अब डबल में बजाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस तरह आपको दूसरा कल अलंकार भी स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करना, फिर अभी फास्ट स्पीड में देखते हैं, ठीक है। पा पा मा मा गा गा रे रे सा।
ठीक है। इस तरह दूसरा अलंकार भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी हम तीसरा अलंकार देखते हैं। पहला अलंकार सिंगल में है, दूसरा डबल में है, अभी तीसरा जो है तीन तीन में, ठीक है, तीन तीन सुर बजाएंगे एक साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्लो स्पीड में तीसरा अलंकार। स्लो स्पीड में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसी अलंकार को, सेम तीन तीन का पैटर्न है, तीन तीन सुर हमें एक साथ बजाने हैं। दोबारा देखते हैं। अभी हम इसी अलंकार को फास्ट देखते हैं, फास्ट कैसे बजाएंगे। ठीक है, सारी गारी गामा गामा पा मा पा धा पा धा नी गा नी सा सारी गा नी धा पा मा पा मा गा मा गा नी गा नी सा। दोबारा देखते हैं, सारी गारी गामा गामा पा मा पा धा पा धा इसी तरह हमारा तीसरा अलंकार खत्म होता है। इसे भी वैसे प्रैक्टिस करना 10 मिनट। ठीक है, अभी हम चौथा अलंकार देखते हैं। ठीक है, पहले स्लो में देखते हैं फिर फास्ट में देखेंगे। दोबारा देखते हैं, अभी इसी अलंकार को थोड़ा फास्ट देखते हैं। सारी गामा री गामा पा गामा पा धा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा धा पा मा ना पा मा ना री मा ना री सा। दोबारा देखते हैं, सारी गामा री गामा पा गामा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी इसके ऊपर भी आपको 10 मिनट देने हैं। ठीक, अभी लास्ट अलंकार देखते हैं, पांचवा। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे, इसमें पांच पांच सुर एक साथ बजाने। ठीक है, पहले स्लो में देखते हैं फिर फास्ट में देखते।
अभी स्लो में बजा लिया, हम फास्ट में देखते हैं। सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। दोबारा देखते हैं। सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। ठीक है, इस तरह आपको इसी अलंकार के ऊपर भी 10 मिनट देने हैं। ठीक है, टोटल 50 मिनट हो जाएंगे सभी अलंकार के ऊपर। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप विश्वास करें इस वीडियोस को फॉलो करते रहे, अभी आपको हर एक 3 दिन के बाद वीडियो मिलेगा। क्योंकि अभी देखो ये जो लेसन है ना, जाने की ये जो अभी लेसन मैं दे रहा हूँ आपको, ये अलंकार दूंगा आपको, हर एक स्केल से सारे अलंकार बताऊंगा आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखिए मैं कोई बड़ा सिंगर तो नहीं हूँ, बट मुझे जहाँ तक मुझे गाने का बजाने का जितनी नॉलेज है, गाना मुझे नहीं आता, बट जितना मुझे भगवान ने मुझे जितना गुण दिया है, जितना मुझे भगवान की कृपा से मैं सीखा हूँ बजाना थोड़ा बहुत, मैं आपको उतना जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करते जाइए, 101% आप जरूर सीखेंगे। ठीक है, इसी को इसी लेसन को इसी सीक्वेंस में फॉलो करते जाइए जैसे जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आप आज की डेट नोट कर लीजिए, पीछे जो हुआ छोड़ दीजिए। ठीक है, आप ऐसे करिए, कोई भी जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है, आप ऐसे करिए, आज अपने ये डेट नोट करके लिख अपने किसी डायरी पे ये डेट नोट कर दो। जब से ये वीडियो आप रियाज करना शुरू करोगे उस दिन ये डेट डाल दीजिए कि आज मैं से रियाज शुरू कर रहा हूँ। गारंटेड लिख के दे देता हूँ मैं, 7 महीने के अंदर आपको हारमोनियम बजाना आ जाएगा, गारंटेड। अभी जो लेसन मिलेंगे आपको बिल्कुल एक फॉलो में मिलेंगे, बिल्कुल एक सीक्वेंस में मिलेंगे। अभी जो नेक्स्ट लेसन डालूंगा मैं आपको, 3 दिन बाद नेक्स्ट लेसन मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको हम आगे वाला पार्ट सीखेंगे, क्योंकि 3 दिन बहुत है इन अलंकारों को प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो बंदा सीखना चाहता है अच्छे से इन चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद पे घर पे बैठे बैठे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट लेसन आपको 3 दिन के बाद मिलेगा। ठीक है, और जो भी आपको अलंकार देखने थे आपको वीडियो में डिस्प्ले हो रहे, डिस्प्ले में हो रहे हैं, फिंगर टेक्निक में कोई दिक्कत है तो फिंगर टेक्निक भी मैंने बता दी है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। लास्ट में बस यही कहूँगा कि अगर कोई म्यूजिक सीखने का चाहवान है, क्लास लेने का चाहवान है, तो मैं ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करवाता हूँ। और कोई बुक खरीदना चाहता है, जिस बुक को मैं फॉलो करके आपको सिखा रहा हूँ या फिर मैं सीखा हूँ, ठीक है, उसी बुक को आप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो बुक भी मिल जाएगी अगर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो मिलते हैं आगे 3 दिन के बाद, आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।